नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएम मनोज गुप्ता और आप सब देख रहे हैं ऑल अबाउट टैक्सेस। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए, और आपको आईटीआर 2 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे में फॉर्म आईटीआर 2 इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है आईटीआर 1, आईटीआर 2 एंड आईटीआर 4 फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20 इज नाउ अवेलेबल फॉर ई फाइलिंग। जैसा कि आईटीआर 1 और आईटीआर 4 ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए गए थे, अब आईटीआर 2 भी अवेलेबल करा दिया गया है और बाकी जो आईटीआर फॉर्म्स हैं वह जल्द ही अवेलेबल करा दिए जाएंगे। अदर आईटीआर्स विल बी अवेलेबल शॉर्टली। ऐसे में अगर आप डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं, आईटी रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आपको तीन फॉर्म दिखाई देंगे, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4। आईटीआर 1 बेसिकली सैलरीड क्लास पर्सन्स के लिए है जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है और जिनके पास वन हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, अदर सोर्सेज में कुछ इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ऐसे में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। लेकिन ध्यान रखें, आईटीआर 2 आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम ना हो। आईटीआर 2 फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम है तो ऐसे में आप आईटीआर 2 फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर्म आईटीआर 4 अवेलेबल कराया गया है, वह बेसिकली जिन भी व्यक्तियों के पास बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है और जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के तहत सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। आई होप वो सभी व्यक्ति जिनको आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 4 फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।